नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल की अनुप्रति योजना की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अनुप्रति योजना से आरएस प्री वालों को कितने पैसे कैसे मिलते हैं, या फिर जो अभी वेटिंग लिस्ट आई है अनुप्रति योजना की इस साल वाली, उसमें लोगों को कब कोचिंग मिलेगी, या फिर आचार संहिता का क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्यों नहीं मिल रही है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अनुप्रति योजना के इस बार दो चरण में फॉर्म भरे गए थे। पहला मार्च के लगभग अप्रैल में, अप्रैल के लगभग, दूसरा अभी अगस्त में फॉर्म भरे गए थे। उस टाइम उसकी लिस्ट आ गई थी अगस्त में भी, 19 अगस्त के लगभग आई थी, और उन लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली। मई वाले चरण में भी कर ली पहले में, और दूसरे चरण में इसमें अगस्त वाले में कर ली थी। टोटल 30,000 को कोचिंग मिलनी थी, लेकिन दोनों चरणों में कुल 30,000 को कोचिंग नहीं मिल पाई। मतलब दूसरी लिस्ट में, दूसरे चरण में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रखा गया था, लिस्ट में साथ ही लिखा हुआ था, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, और उसमें ऐसा लिखा गया था कि एक महीने के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, एक महीने बाद, क्योंकि एक महीने देखते हैं कौन कौन लोग कोचिंग करते हैं ज्वाइन और कौन नहीं करता है। किसी रीज़न से किसी का डॉक्यूमेंट गलत हो सकता है या और कोई रीज़न, योग्यता नहीं हो, तो उन लोगों को बाहर करके बाकी लोग लिए जाते हैं, क्योंकि टोटल 30,000 का बजट पास हुआ था तो उतने लोग तो लेने पड़ेंगे। तो वेटिंग लिस्ट में, चूँकि वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी, उससे पहले आचार संहिता लग चुकी थी, आचार संहिता लगने से वेटिंग लिस्ट की पीडीएफ तैयार नहीं हो पाई, लेकिन एसएसओआईडी में जब आप स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड लिखा आ गया बहुत सारे लोगों के। इसका मतलब वो लोग कट ऑफ से जस्ट कम थे सेकंड लिस्ट जब आई थी। तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब है कि आपका लिस्ट में नाम आ गया है, परसेंटेज के हिसाब से आपको ले लिया गया है, लेकिन उसके बाद आपके ज़िले से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं कि आप योग्य हो या नहीं, और वो जब आता है तो आपका दो तरह का स्टेटस आता है। एक तो एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाई DLO, ये तब आता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, लेकिन दूसरा स्टेटस ये भी आ सकता है कि फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन। अब फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन का मतलब होता है कि आपका नाम कोचिंग को भेज दिया गया है, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दो आप। लेकिन अगर आपका फाइनली अप्रूव्ड बाई DLO नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट भी चेक नहीं हुआ है, केवल शॉर्ट लिस्ट हुआ है। तो फाइनल लिस्ट तैयार हुई नहीं है, जारी हुई नहीं है, ना किसी का फाइनल सेलेक्ट लिखा है, इसका मतलब अभी तक आपके कोचिंगों को नाम भेजे नहीं गए हैं। तो शॉर्ट लिस्ट वालों का तो कुछ हो नहीं सकता। देखो, हो सकता है कि आपके जब डॉक्यूमेंट्स चेक हों तो उसमें कोई कमी निकल जाए, आपको बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिनके अप्रूव्ड बाई DLO आ गया है ना, इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए हैं, आप योग्य हैं, जब भी लिस्ट बनेगी आपका 100% नाम आएगा, है ना। तो आप लोग कोचिंग में संपर्क करें, कोचिंग वालों से ऐसे बात करें कि सर हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वो चेक हो गए हैं, अप्रूव्ड बाई DLO आ गया है, लेकिन आपके पास अभी नाम नहीं आया, तो आप लोग हमें कोचिंग में एडमिशन दे दीजिए, जब भी लिस्ट बनेगी तो आपको यहाँ पर नाम शो हो जाएगा, आप यहाँ पर पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कोचिंग वाले अगर ऐसा नहीं करें तो आप लोग अपनी रिस्क पर ले सकते हैं। रिस्क पर केवल वही लें जिनको एडमिशन लेना ही है, मतलब मतलब अनुप्रति कोचिंग उनको नहीं मिलेगी तो भी इनको कोचिंग करनी ही है। तो वो लोग कोचिंग ज्वाइन करने से पहले उनसे संपर्क ये करें कि सर अगर अनुप्रति में मेरा मतलब अप्रूव्ड बाई DLO आ गया है, और जैसे मेरा नाम आ जाता है फाइनल, आपके पास एडमिशन हो जाता है अनुप्रति से, तो मैं जो फीस जमा करा रहा हूँ आपको ये वापस करनी होगी, आप वापस कर दोगे ना, तो उस तरह से वो हाँ भर देते हैं। बहुत सारी कोचिंगों में ऐसा हुआ है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जिनका अप्रूव्ड बाई DLO है वो लोग इस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 99.99% उन लोगों को पैसे मिल जाएंगे और कोचिंग में नाम आ जाएगा लिस्ट बनते ही। अभी तो इसकी कोई संभावना नहीं लिस्ट आने की, चुनावों के बाद ही लिस्ट जारी की जाएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पुराने बजट की चीज़ें हैं, अधिकारी लोग कर सकते हैं, चाहे तो PDF बना सकते हैं, लेकिन उनकी मर्ज़ी, इस टाइम पर सरकार की चलती नहीं है, कोई प्रेशर उनके ऊपर होता नहीं है, तो अधिकारी सुस्त होते हैं और वो ये काम करते नहीं हैं। तो आप लोग चाहें तो 181 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब लिस्ट जारी होगी चुनावों से पहले, लेकिन जब भी होगी जिनका स्टेटस अप्रूव्ड बाई DLO आ गया है उनको 100% कोचिंग मिल जाएगी मेरे हिसाब से, है ना। आप लोग इस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात, काफ़ी लोगों के RS के रिजल्ट के बाद मैसेज आए थे कि हमें वो पैसे कैसे मिलेंगे RS वाले फ्री होने के बाद। तो देखिए, ये योजना 2021 में चेंज कर दी गई थी। पहले ऐसा होता था कि जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, प्री क्लियर होने के बाद उनको पैसे दिए जाते थे कुछ, लेकिन अभी उस योजना को चेंज करके कोचिंग योजना में चेंज कर दिया गया है। तो अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किसी भी रुपये देने का, जो भी है कोचिंग का प्रावधान है। आप लोग सारे कोर्सेज की कोचिंग कर सकते हो जिनकी वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, और रुपए देने वाला प्रावधान 5 जून 2021 को बंद कर दिया गया था, उसके बाद एक दूसरी योजना लागू हो गई थी। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप लोग ये वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।